दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप 10वीं या मैट्रिकुलेट उत्तीर्ण हैं, तो आप मनरेगा में BFT अर्थात बेयर फुट टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त होकर किस प्रकार अपना कैरियर बना सकते हैं। यह जो BFT अर्थात बेयर फुट टेक्नीशियन की पोस्ट है, यह उन लोगों के लिए काफी लाभकारी होगी जो वर्तमान में मैट का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह BFT की पोस्ट होती क्या है। देखिए, मनरेगा में वृहद मात्रा में निर्माण कार्य किए जाते हैं और जैसे आप जानते ही हैं कि मनरेगा में टेक्निकल स्टाफ की काफी कमी रहती है, तो ग्रामीण विकास विभाग ने ILO और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के कोऑर्डिनेशन से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे कहते हैं BFT प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट 2016-17 में प्रारंभ हुआ था। शुरुआत में इसमें केवल 16 राज्य लिए गए थे, परंतु वर्तमान में यह प्रोजेक्ट 20 राज्यों में संचालित है। इस योजना के बारे में आप मनरेगा के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस संबंध में मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि आपके ब्लॉक में BFT की कितनी पोस्ट वैकेंट है और इसमें जो स्टेट के मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं उनके मेल इत्यादि की जानकारी दी थी। देखिए, ऊपर उसकी लिंक दिख रही है, इस पर आप क्लिक करके बेयरफुट टेक्नीशियंस बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको यह बताता हूँ कि बेयरफुट टेक्नीशियंस को क्या कार्य करना पड़ते हैं। मनरेगा में जो इंजीनियर्स रहते हैं, जिन्हें सब इंजीनियर्स या जूनियर इंजीनियर या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में टेक्निकल असिस्टेंट्स के नाम से जाना जाता है, BFT को इनके अधीनस्थ कार्य करना पड़ता है। इनका मुख्य रूप से कार्य यह रहता है कि मनरेगा में कार्य योजना तैयार करना, एस्टिमेट तैयार करना और जब कार्य प्रगतिरत रहता है तो कार्यों का मूल्यांकन इत्यादि करना शामिल रहता है। देखिए, इस संबंध में मैंने BFT का क्या दायित्व रहता है, इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। ये देखिए, ऊपर उसकी लिंक दिख रही है, इस पर आप क्लिक करके BFT की ड्यूटीज के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेयरफुट टेक्नीशियंस को राज्य शासन द्वारा 15,000 से लेकर 25,000 तक मासिक वेतन दिया जाता है। हर राज्य में इनका जो मासिक वेतन है वह अलग अलग रहता है। चलिए, अब आपको मैं यह बताता हूँ कि बेयरफुट टेक्नीशियंस की नियुक्ति कैसे होती है और नियुक्ति के पूर्व इन्हें क्या क्या ट्रेनिंग करना पड़ती है। परंतु उसके पूर्व मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। और आप जब घंटी वाले बटन को दबाते हैं तो देखिए इस प्रकार एक ऑल का भी बटन आता है, आप इस पे भी क्लिक कर दें। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न और क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए, प्रत्येक राज्य में स्टेट मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जो NIRD हैदराबाद से ट्रेन रहते हैं। इनके द्वारा समय समय पर विज्ञप्ति निकालकर बेयरफुट टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें 3 माह अर्थात 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 75 दिन थ्योरी से संबंधित रहते हैं और शेष 15 दिन इन्हें फील्ड में भ्रमण कराकर मनरेगा के निर्माण कार्यों की तकनीकी जानकारी दी जाती है। इन 3 माह के ट्रेनिंग के दौरान इन्हें आवास तथा भोजन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है तथा स्टाइपेंड के रूप में प्रतिदिन ₹150 प्रदान किए जाते हैं। जब यह ट्रेनिंग पूर्ण हो जाती है तो इन्हें एक BFT असेसमेंट टेस्ट देना होता है। जब BFT ट्रेनर्स इस टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इन्हें एग्रीकल्चर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 4 के इक्विवेलेंट होता है। इसके पश्चात प्रत्येक राज्य शासन समय समय पर BFT की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं। ये देखिए, इस प्रकार की विज्ञप्ति प्रत्येक राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी की जाती है। इन विज्ञप्तियों के माध्यम से बेयरफुट टेक्नीशियंस की पोस्टिंग ब्लॉक में क्लस्टर्स के अंतर्गत कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए, मेरे दोनों नंबर हैं, पहला नंबर मेरा कॉलिंग का है और दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।